वेलकम टू कुक विथ मालती। आज हम बनाएंगे करेला का खट्टा। इसके लिए मैं इसे दो पीस करेला लिए हैं, ऐसे साइज में, ऐसे पतला साइज में काटूंगी। मैं दो करेला काट लिया है, इसको काट धो देंगे, धो के फ्राई करेंगे। मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है, मैं एक स्पून ऑयल दे दूंगी। एक स्पून ऑयल देके मेरा करेला काटा था, धो के अच्छा से पानी निकल दिए हैं, इसको पहले पानी फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी भी डाल देंगे। फ्राई करने का टाइम एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक डाल के अच्छा से मिला देंगे। इसे इसे अच्छा से मछली जैसे फ्राई करेंगे, बीच बीच में पलट देंगे मछली जैसे, ऐसे मछली से अच्छा से मिला के जैसे सब्जी ज़्यादा नमक हल्दी मिल जाएगा, तो ऐसे फ्राई करेंगे। अभी मेरा करेला फ्राई हो चुका है, मछली जैसे फ्राई कर लिया है। अभी इसको खट्टा बनाएंगे, टमाटो काट के फ्राई भूंजेंगे। अभी मेरा कढ़ाई में एक स्पून ऑयल दे दिए हैं, मेरा छोटा वाला एक प्याज काटे हैं छोटे छोटे, उसको अभी फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे, जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हुआ है तब तक फ्राई करेंगे। थोड़ा प्याज के लिए थोड़ा नमक भी डाल देंगे, एक चुटकी नमक दे देंगे, दो हरा मिर्च भी डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। अभी मेरा प्याज का कलर आ गया है, अदरक गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच, गरम मसाला सब पीस दिए हैं, थोड़ा सा डाल के इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ एक चुटकी हल्दी भी डाल देंगे। तब तक मसाला फ्राई होते होते मैं दो टमाटो को छोटा छोटा काट दूंगी। खट्टा बनाने के लिए करेला खट्टा बनाने के लिए दो टमाटो छोटा छोटा काट दूंगी। इसमें इसे कलर देना है, नहीं तो जल जाएगा पूरा बिना, टमाटो पूरा मिल जाएगा। अभी मेरा टमाटो पूरा मसाला में मिल चुका है, मैं जो फ्राई किया था करेला इसको उसी में डाल के दो तीन मिनट चला दूंगी, दो तीन मिनट चला दूंगी। इसी में चलाने के बाद इसको फिर ढक दूंगी, तब करेला में मसाला मिल जाएगा, तब तक थोड़ा सा पानी डालेंगे। मेरा करेला हो चुका है, मैं एक कप पानी डाल दूंगी, तब करेला और मसाला टमाटो सब मिक्स होकर उसका अंदर पहुँच जाएगा। एक कप से थोड़ा कम, आधा कप पानी डाल दी हूँ, इसको जब उबल जाएगा 5 मिनट मीडियम फ्लेम में रख दी, तब तक मेरा रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले करेला फ्राई किए हैं, अभी मसाला
सब मिल जाएगा तो हो जाएगा। मेरा करेला का खट्टा कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, कितना स्मेली है, बहुत अच्छा है, स्मेल भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कड़वा नहीं है। मेरा रेसिपी को जरूर घर में ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।